हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सर्कल एट में। दोस्तों बात करें बिहार में नई भर्ती का दौर जैसा कि शुरू हो चुका है। दोस्तों बात करें तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 2404 पदों पर साथ साथ प्रोफेसर के पद का विज्ञापन जो है जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू है। आइए देख लेते हैं दोनों पदों के बारे में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आइए दोस्तों एक करके सभी जो भी वैकेंसीज है इसका अपडेट आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले तो बात करें बीपीएससी की तरफ से, आपको बता दें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कुल यहाँ पर 208 पदों के लिए नियमित नियुक्ति आपको यहाँ पे की जा रही है। राजकीय अभियंतर महाविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें लेवल 10 का यहाँ पे बहाली है, यानी कि लगभग 1,00,000 से आपकी सैलरी रहने वाली है। बीटेक और एमटेक जो भी कंप्यूटर साइंस से हैं वो इसको आवेदन करेंगे। आवेदन का प्रक्रिया दोस्तों सभी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बहाली किस तरीके से होगी, तो आपको यहाँ पे 40 अंक का एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों एकेडमी रिकॉर्ड पे 20 मार्क्स पे लेंगे। साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू 15 मार्क्स का। उस पर दोस्तों जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से नियोजित हैं तो उनको 25 मार्क्स प्रत्येक साल का, 5 साल का एक, यहाँ पे प्रत्येक एक साल का 5 अंक दिया जाता है। न्यूनतम उम्र आपका 22 साल और अधिकतम उम्र 65 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जो भी यहाँ पे सेवानिवृत्त है। अब दोस्तों बात करें एक बहुत ही अच्छी बहाली आने वाली है, आपको बता दें श्रम संसाधन विभाग में फरवरी तक मिल जाएंगे नियमित इंस्ट्रक्टर। जैसा कि दोस्तों राज्य में आपको बता दें पिछले 6 सालों में राज्य सरकारी आईटीआई की संख्या 40 से बढ़कर 149 हो गई है, लेकिन नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं होने से पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकारी आईटीआई में अभी नामांकन लगभग 22,000 हैं और राज्य सरकार में 7 निश्चय के तहत हर अनुमंडल में कम से कम एक आईटीआई खोलने का निश्चय किया था। दोस्तों बता दें इसको लेकर सरकारी आईटीआई में नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए 8 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है। 149 सरकारी आईटीआई में 2404 इंस्ट्रक्टर की बहाली नवंबर तक वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी को, नियमित जो भी बहाली है नवंबर तक यहाँ पे आने वाली है। दोस्तों आप लोग का इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया। अब दोस्तों बात करें इसी महीने समान प्रश्न विभाग में, यहाँ समान प्रश्न विभाग के माध्यम से 146 पदों की रिक्ति भी तकनीकी सेवा आयोग को चली गई है। साथ साथ 2258 पदों की वैकेंसी पहले ही जा चुकी है। संसाधन विभाग ने लक्ष्य फरवरी 2023 तक नियमित इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। पिछले दिनों बैठकों में तकनीकी सेवा आयोग ने श्रम संसाधन विभाग को भरोसा दिया कि आवेदन लेने के बाद जल्द ही कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट सीबीटी के माध्यम से लेकर परीक्षा रिजल्ट घोषित कर जाए। दोस्तों बहुत ही दोस्तों बड़ी अपडेट आप सभी को यहाँ पे आ रही है कि आपका यहाँ पे नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली बीटीएससी के माध्यम से, यहाँ पे बीटीएससी के माध्यम से होने की बात की जा रही है। कौन कौन से यहाँ पे होंगे पद दे सकते हैं, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग, स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर, तो ये सब दोस्तों हैं। आपको बता दें 2298 इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। अब वर्तमान में दोस्तों 149 सरकारी आईटीआई के तहत यहाँ पे की जा रही है 2298 इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। अभी 218 नियमित इंस्ट्रक्टर है, लगभग 800 संविदा या अतिथि इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पे अतिथि हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। बाकी दोस्तों नवंबर में आपकी ये बहाली आने वाली है, विज्ञापन आएगा तो संपूर्ण डिटेल देंगे। साथ साथ दोस्तों प्रोफेसर की जो भी बहाली है, जो भी एलिजिबल हैं वो लोग जरूर जरूर अप्लाई करें। और नई अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।